किसी भी एग्जाम को यदि लेते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट की एक अहम भूमिका होती है और वो टाइम टेकिंग भी होता है, क्योंकि हम बचपन से स्क्वायर रूट जो पढ़े हैं वो दो मेथड से पढ़े हैं। पहला है एलसीएम मेथड और दूसरा है डिवाइड मेथड। ये दोनों मेथड टाइम टेकिंग है, इसलिए हमें मैथ्स को सॉल्व करते वक्त ये प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स ये टॉपिक बहुत ज़्यादा करते हैं। हम इस टॉपिक को जो पढ़ेंगे कितने सेकंड में पढ़ेंगे? 1 to 5 सेकेंड। जी हाँ, 1 to 5 सेकेंड में हम किसी भी स्क्वायर रूट को निकालना सिखाएंगे, ये मेरा दावा है। स्क्वायर रूट हम दो वीडियो में फिनिश करेंगे। पहला वीडियो होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट का और दूसरा वीडियो होगा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट का। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट हैज बीन डिवाइडेड टू पार्ट, फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड सेकेंड वन इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। चलिए, इसे पढ़ाने से पहले हम आपसे तीन सवाल जानना चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आप फास्ट देंगे। जिस तरह से मैं क्वेश्चन करता हूं उसी तरह से आप जवाब दें, यानी मैंने क्वेश्चन किया और आपका जवाब आता है, तो मानिए कि हम कैलकुलेशन 1 to 5 सेकेंड में कर रहे हैं। रेडी? चलिए, तीन सवाल। रूट 100 का वैल्यू क्या होगा? रूट 120 का वैल्यू क्या होगा? रूट 625 का वैल्यू क्या होगा? हम आपको बता चुके हैं कि आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो है परफेक्ट स्क्वायर रूट। आप ये तीनों सवाल परफेक्ट स्क्वायर रूट का है। परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका पूरा पूरा आंसर आए, डेसिमल में ना आए, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर रूट। और जो डेसिमल में आंसर आए वो इम्परफेक्ट होता है। हम पहले परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आई नो वेरी वेल आप इन सभी सवालों का जवाब दे चुके होंगे। फिर भी 100 का रूट कितना होता है? 10, 120 का 11 और इसका कितना होता है? 25। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप इतना इजी क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन सभी सवालों से ही आज का टॉपिक टिका हुआ है। अब गौर से एक बार आंसर और क्वेश्चन को देखिए। देख रहे हैं? मुझे बताइए कि आंसर और क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है। आपने सोचा? यदि सोचे हैं तो मुझे बताएं कि आज आंसर क्वेश्चन और आंसर में क्या सिमिलरिटी है। यहां पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 0 है तो आंसर का लास्ट डिजिट 0 है। क्वेश्चन का लास्ट डिजिट यहां 1 है तो यहां भी 1 है। लास्ट डिजिट 5 है तो यहां भी 5 है। बट ऐसा है क्या? इसका मतलब ये समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर रूट जब भी एंड करेगा तो कोई डिजिट तो होगा। वो डिजिट क्या होगा? 0 से लेकर के 9 तक ये डिजिट होगा ना। यानी 0 से एंड किया तो 0 आंसर हुआ, 1 से एंड किया तो 1 आंसर है, 5 से किया तो 5 आंसर है। इससे ये समझ में तो आ गया कि कहीं ना कहीं कोई टेक्निक तो है। बट वो टेक्निक क्या है? ये काम करते हैं, क्वेश्चन में जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या क्या होगा? 0 से 9 तक होगा, तो क्यों ना 0 से 9 तक हम आंसर याद कर ले, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। रेडी? 0 से 9 तक, यानी लास्ट में यदि 0 हो तो उसका आंसर लास्ट में क्या होगा, ये देखिए। इसे कैसे पहचानेंगे? याद रखिएगा, ये ट्रिक केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर में ही फॉलो होगा। यदि लास्ट में 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, इसके लिए आप 0 से 9 तक कोई डिजिट लीजिए
और उसे स्क्वायर कीजिए और मुझे ये बताइए कि कौन ऐसा डिजिट है जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट में जीरो आता हो। नहीं समझ में आया? फिर सुनिए, जीरो से नाइन तक कोई डिजिट लीजिए और उसे स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर करने पे मुझे ये बताइए कि कौन ऐसा डिजिट है जिसको स्क्वायर करने पे जीरो आता है। यहां पे देखिए, जीरो का स्क्वायर किया तो जीरो, वन का स्क्वायर किया वन, नहीं होगा, टू का किया फोर, नहीं होगा, थ्री का किया नाइन, नहीं होगा, फोर का किया फोर फोर जा सिक्सटीन, नहीं होगा, से फाइव का क्या होगा, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, वो भी नहीं होगा, सेवन का कीजिए सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, लास्ट में नाइन है, ये भी नहीं होगा, एट का कीजिए एट एट जा सिक्सटी फोर, नहीं होगा, नाइन का कीजिए नाइन नाइन जा एटी वन, वन आ रहा है। इसका मतलब केवल जीरो ही है जिसको स्क्वायर करने पे जीरो आएगा, कोई और डिजिट नहीं है। चलिए वन का बताइए, वन लास्ट में कब आएगा, किसका स्क्वायर करें कि लास्ट में वन आ जाए, जीरो से नाइन तक की ही डिजिट लेना है आपको। तो वन जो आएगा, वन का स्क्वायर करेंगे उसमें आएगा और नाइन का स्क्वायर करेंगे तो उसमें आएगा, अकेले नहीं है, कर लीजिए, वन का स्क्वायर करेंगे वन, नाइन का कर देंगे नाइन नाइन जा एट्टी वन, तो लास्ट में क्या मिला, वन मिला। टू का बताइए, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट उसका टू होगा, जीरो टू नाइन में नहीं है ना, क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जब भी लास्ट में कहीं टू हो तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर डेसिमल में आएगा। चलिए थ्री बताइए, थ्री भी इम्परफेक्ट है। फर्स्ट डू अरे है फोर, टू टू जा फोर, और क्या होता है एट एट जा सिक्सटी फोर, या तो आंसर टू होगा या एट होगा, फाइव ओनली फाइव, सिक्स, सिक्स का क्या होगा बोलिए जल्दी सर, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्स जा थर्टी सिक्स, सेवन इम्परफेक्ट, एट इम्परफेक्ट, नाइन डू हरी अप, थ्री थ्री जा नाइन और सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, या तो आंसर थ्री होगा या सेवन, समझ में आ गया? यदि नहीं आया तो एक बार फिर बोर्ड को गौर से देखें और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के क्लास में इसी का रोल है। यदि ये समझ में नहीं आएगा तो ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, समझे? तो इस टॉपिक को एक बार दोबारा देखिए, हमने आपको बोला कि लास्ट डिजिट जीरो से नाइन तक हो सकता है, तो उसका आंसर क्या हो सकता है, लास्ट डिजिट जीरो से नाइन तक के आंसर याद करने के लिए हमने आंसर बनाया, यदि लास्ट डिजिट जीरो हो तो उसका आंसर जीरो ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जीरो का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट जीरो मिल रहे हैं। वन कहां मिलेगा? वन और नाइन में, क्योंकि वन का स्क्वायर करेंगे तो वन मिलेगा और नाइन का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में वन मिलेगा। टू इम्परफेक्ट है, थ्री इम्परफेक्ट है, यू नो वेरी वेल कहीं भी थ्री नहीं मिलने वाला है। जीरो से नाइन तक स्क्वायर करके मुझे बताइए क्या कोई डिजिट ऐसा है जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट थ्री आए? नहीं है। फोर आपको टू या एट मिलेगा, क्यों? टू टू जा फोर और एट जा सिक्सटी फोर, दोनों में फोर है। फाइव, फाइव बताएं ओनली फाइव में, सिक्स कहां मिलेगा आपको? सिक्स कौन ऐसा डिजिट है जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट सिक्स होगा? फोर फोर जा सिक्सटीन और सिक्स जा थर्टी सिक्स, कोई और डिजिट है? नहीं। सेवन इम्परफेक्ट, एट इम्परफेक्ट, नाइन बताएं, थ्री थ्री जा नाइन, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, कोई और डिजिट है? नहीं ना। यदि कोई डिजिट है तो बता दें। आप हमेशा याद रखें कि कोई भी क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होगा जीरो से नाइन तक होगा। परफेक्ट नहीं, किसी का भी लास्ट डिजिट जीरो से नाइन तक होगा, लेकिन यहां पे ये जो टिप ट्रिक है, ये टिप्स है, वो ओनली और ओनली परफेक्ट स्क्वायर में ही इंप्लीमेंट होगा, कहीं और इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया,
यदि आ गया तो आपका टॉपिक फिनिश, नहीं का कीन है तो देखिए हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, एग्जांपल देके बताते हैं कि क्या ये टॉपिक फिनिश हुआ। रिमेंबर, कोई भी एग्जांपल हम दे रहे हैं उसको सॉल्व करने का टाइमिंग आपको सिर्फ और सिर्फ हम दे रहे हैं 1 से 5 सेकेंड। 1 से 5 सेकेंड में मैं नहीं आप करेंगे। रेडी हैं आप? यदि रेडी हैं तो चलिए हम क्वेश्चन देते हैं। ओके, एग्जांपल क्या है? पहला, सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं 1 1 2 3 6। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 1 1 8 8 1। फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 5 4। पांच एग्जांपल हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस सभी एग्जांपल को आप और अभी सॉल्व करेंगे ओनली ऑन 5 सेकेंड। रेडी है? चलिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको पहले समझिए। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके सिखाते हैं आपको, उसके बाद आप सॉल्व करना कोशिश कीजिएगा, और कोशिश विदाउट पेन और विदाउट नोटबुक कीजिएगा। परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालना है आपको, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो आप लास्ट के 2 डिजिट अलग कर दीजिए। लास्ट के 2 डिजिट क्या करना है आपको? अलग करना है। लास्ट के 2 डिजिट आपको अलग करना है। सॉल्व कीजिए। लास्ट में यहां क्या है? 1। यहां पे आए, 1 का आंसर क्या है आपका? 1 या 9। लास्ट में यदि 1 है तो उसका आंसर 2 हो सकता है। लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। आप यहां 1 और 9 को माइंड में रख लें। इसके बाद इस टोटल कितना बचा? 98। इसे गौर से सुनिएगा। कोई ऐसा डिजिट लीजिए जिसको स्क्वायर करने पे 98 आ जाए। समझ में आया? क्या बोला? कोई ऐसा डिजिट लीजिए जिसको स्क्वायर करने पे 98 आ जाए। है ऐसा कोई डिजिट? नहीं ना। चलिए फिर सुनिए। कोई ऐसा डिजिट लीजिए जिसको स्क्वायर करने पे 98 से कम हो, अधिक नहीं हो। कौन ऐसा डिजिट है? अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 जाए 81। 10 का करते हैं तो क्या होगा? 100। अब 98, तो यहां पे 9 लेते हैं क्योंकि 9 9 जाए 81, 98 से कम है। ठीक है, 10 100 अधिक हो जा रहा है। तो यहां पे सुनिए, यहां पे 9 वैल्यू पुट कर देंगे। अब 9 हम आंसर रेडी करते हैं। 9 पे यदि हम 1 रखते हैं तो आंसर हमारा 91 आ गया। यदि 9 पे 9 पुट करेंगे तो आंसर हमारा 99 होगा। कंफ्यूजन है ना, 2 आंसर कैसे आ गया? घबराए नहीं, ये तो श्योर है कि आंसर 91 होगा या 99। बट होगा क्या? 91 होगा या 99? इसे चेक करने के लिए आप यहां जो डिजिट आया है उस डिजिट में 1 इंक्रीज कीजिए। क्या बोला मैंने? यहां जो भी डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज करके उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 9 है तो नेक्स्ट क्या होगा? 10। फिर क्या बोला था कि 9 में यहां जो डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज करके उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी 9 × 10 इक्वल टू क्या होगा? 19। अब कंपेयर कीजिए कि ऊपर वाला डिजिट नीचे से बड़ा है या छोटा। क्या बोला मैंने? ऊपर वाला डिजिट नीचे से बड़ा है या छोटा? यदि बड़ा है तो आंसर बड़ा होगा, यदि छोटा है तो आंसर छोटा होगा। बट हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंपेयर कीजिएगा तो ऊपर वाला पार्ट को ही कीजिएगा नीचे से। चलिए अब ये बताएं, 98 90 से बड़ा है या छोटा? 98 90 से बड़ा है या छोटा? बड़ा, तो आंसर
बड़ा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फास्ट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में होगा नहीं होगा। चलिए एक बार आप समझाते हैं। लास्ट बताइए क्या है, 6 का आंसर क्या होगा, 4 या 6, ये आपको याद रखना होगा, 4 या 6। लास्ट डिजिट हमें मिल गया। हमने आपको क्या बोला था बताएं, हमने जो ए पार्ट है तो इसके लिए क्या करना है आपको, सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने ये बोला था कि कोई भी डिजिट ऐसा लीजिए जिसको स्क्वायर करने पे 112 आ जाए, या उससे कम हो उससे अधिक नहीं हो। कौन सा डिजिट होगा, 11 करते हैं तो 121 होगा, अधिक हो रहा है, 10 करते हैं तो 100, यानी यहां पे 10 आएगा। जब 10 आता है तो आंसर रेडी करना है हमें, तो आंसर रेडी करने के क्या बोला था, 10 पेज 4 रखेंगे तो आंसर इज व्हाट, 104। फिर क्या बोला था, 10 पेज 6 रखिए तो आंसर इज व्हाट, 106। ये श्योर हो गया कि आंसर 104 होगा या 106, बट आंसर होगा क्या इसे चेक करने के लिए हमने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो भी यहां डिजिट है उसमें एक इंक्रीज कर दीजिए, तो एक इंक्रीज कीजिए, 10 के बाद क्या होगा, 11। फिर क्या बोला था, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 11 × 10 इक्वल टू क्या होगा, 110। आंसर 104 है या 106 इसको चेक करने के लिए क्या करना था, ऊपर वाले को नीचे से कंपेयर करना था, ऊपर वाला बड़ा है या छोटा, यदि ऊपर वाला बड़ा होगा तो आंसर बड़ा होगा, यदि ऊपर वाला छोटा होगा तो आंसर छोटा होगा। चलिए 112 बड़ा है या छोटा 110 से, बाय क्या है, बड़ा या छोटा, बड़ा, तो आंसर बड़ा होगा, यानी 106। क्लियर, आई होप आप इसे बना देंगे जल्दी सर, डू हरी अप, मेंटली कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, एक बार हम मेंटली कैलकुलेशन करके सिखाएं बिना मार्कर का। चले लास्ट में यहां पे क्या होगा, 1 है तो 1 का आंसर क्या है, या तो 1 होगा या 9 होगा। चलिए 1 और 9 हमारे मेन दिमाग में आपका आ गया, यहां पे कितना होगा, किसके स्क्वायर के नियर बाई है, 10 का, तो आंसर क्या होगा, 101 या 109। अब 101 होगा या 109 इसे चेक करने के लिए हमने क्या बोला था, कि जो भी यहां डिजिट आएगा उसको एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दे, यानी यहां पे अगर ये जो 10 है तो यहां 10 के जगह पे क्या करेंगे, 11, तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 110, ऊपर कितना है, 118, ऊपर क्या है, बड़ा है या छोटा, 110 से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, 109। रेडी, चलिए देख लीजिए, यहां 1 होगा, यहां 9 होगा, यहां पे 10 होगा, तो 10 पे आंसर 1 रखेंगे, 10 पे 1 रखेंगे तो 101, और 10 पे 9 रखेंगे तो क्या होगा, 109। फिर क्या बोला था, कि यहां जो भी डिजिट है उसे एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करना है, तो 110 हो जाएगा, तो 118, 110 से क्या है, बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, 109 होगा। चलिए अभी से करिए जल्दी सा, लास्ट में 4 है, 4 का आंसर क्या होता है देख लीजिए, यहां पे 4 का आंसर रेडी कीजिए, 2 और 8। चलिए यहां पे 2 और 8 लिखिए, आप लिख लीजिए आप लोगों ने, यहां क्या है, 125, तो 125 किसके स्क्वायर के नियर बाई है, किसके स्क्वायर के नियर बाई है, 10 करते हैं तो 100, 11 करते हैं तो 121, यानी 11 के स्क्वायर के नियर बाई है। अब हमें क्या करना है, आंसर रेडी करें, पहले 11 पे 2 रखेंगे तो क्या आंसर इज व्हाट, 112, 11 पे 8 रखेंगे तो आंसर इज व्हाट, 118। अब आंसर 112 होगा
या 118। इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां जो डिजिट है उसमें एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 × 12 = क्या होता है, 132। कितना होता है, 132। अब ये देखें कि 132 125 से बड़ा है या छोटा, कंपेयर कीजिए। 125 132 से बड़ा है या छोटा, 125 132 से बड़ा है या छोटा, छोटा। तो आंसर क्या होगा, छोटा होगा। नहीं समझ में आया, एक लास्ट एग्जांपल देते हैं और आई होप आप इसे मेंटली कैलकुलेशन करेंगे, रेडी। चलिए बताएं 127 69 का आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, यदि 9 से एंड कर रहा है तो 9 का क्या है, 3 या 7। चलिए यहां 3 या 7 आप नोट कर दे। 127 किसके स्क्वायर के नियर बाई है, 11 का। आंसर रेडी कीजिए तो क्या होगा, 113 या 117। अब आंसर 113 होगा या 117, इसके चेक करने के लिए हमने क्या बोला, यहां जो डिजिट है उसे एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 132। और 132 को कंपेयर कीजिए, आप करिए 127 132 से बड़ा या छोटा, ऊपर वाला नीचे से बड़ा है या छोटा। यदि ऊपर वाला बड़ा है तो आंसर बड़ा होगा, यदि ऊपर वाला छोटा है तो आंसर छोटा होगा। 127 132 से बड़ा है या छोटा, छोटा, तो आंसर 113 होगा। आई होप आपको ये परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया होगा। आप एक काम करें, एक कैलकुलेटर लें और उस कैलकुलेटर के माध्यम से जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट कैलकुलेशन करें और हर कैलकुलेशन 1 से 5 सेकंड में होना चाहिए और वो भी मेंटली होना चाहिए। यदि मेंटली होता है तो यकीन मानिए आप एग्जाम के बहुत करीब होंगे। इस तरह से हमारा परफेक्ट स्क्वायर फिनिश हुआ। आप वेट करिए नेक्स्ट टॉपिक इम्परफेक्ट स्क्वायर जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी YouTube वीडियो। थैंक यू।